वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जिग्सॉ। ठीक है, बहुत से लोग इस टर्म को नहीं जानते हैं। हम लोगों ने भी इस टर्म को बहुत बाद में जाना है, लेकिन आजकल ये बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है और एज अ स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जिग्सॉ है क्या? एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। ठीक, अब क्या कोऑपरेटिव, कैसे कोऑपरेशन सीख होता है इस लर्निंग स्ट्रेटजी में, आइए देखते हैं। पहले तो जाने कि कोऑपरेटिव लर्निंग किसको बोलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज द कोलैबोरेशन ऑन ए टास्क, यानी कि क्या करना है हमको, किसी भी टास्क पे कोई हमको मुद्दा दिया जाएगा उस पर हमको जुड़ना है। बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ टास्क, बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि कुछ बच्चों का समूह, छात्रों का समूह एक टास्क पर जुड़ेगा। हु रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जो रिजॉल्व करेंगे क्या उनका जो मतांतर है, किसी भी मुद्दे पर हमारा कुछ मत हो सकता है, आपका कुछ मत हो सकता है, तो उस पहले अंतर को रिजॉल्व करेंगे। शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है उसको शेयर करेंगे। और कंसीडर वन अनदर्स आइडियाज, एक दूसरे के आइडिया को महत्व देंगे। एंड वर्क टूवर्ड कॉमन गोल्स, यानी कि सामान्य उद्देश्यों की ओर, एक उद्देश्य की तरफ सारे बच्चे सारे छात्र कार्य करेंगे। किस तरीके से, क्योंकि हम बात करेंगे आप बात करेंगे तो कुछ हमारा ओपिनियन में डिफरेंस आएगा, उसको रिजॉल्व करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जब कलेक्टिव दी जाती है तो जनरली वो किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, लोग समझते हैं अरे ये तो ग्रुप का काम है, वो कर ले हम कर ले, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है। ठीक है, और कंसीडर वन अनदर्स आइडियाज, एक दूसरे के आइडिया को कंसीडर भी करना है और कॉमन गोल्स की तरफ काम करना है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लर्निंग का जो टाइप है वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगा। फिर ये बर्क की डेफिनेशन है 2008 में। फिर उसके बाद है कि देयर आर फोर मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो चार मुख्य उसमें परिप्रेक्ष्य आ जाते हैं। कौन कौन सा? मोटिवेशनल, मतलब कि अभिप्रेरणा होनी चाहिए। सोशल कोहेजन, यानी कि आपस में सोशली कोहेसिव होगा वो ग्रुप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात होगी यहाँ पे। और कॉग्निटिव इलेबोरेशन भी होगा, यानी कि विस्तार भी होगा। कैसे होगा ये सब कुछ, मोटिवेशनल का मतलब कि ग्रुप फोकस्ड ऑन कॉमन गोल, यानी कि हमारे अंदर मोटिवेशन क्या है कि हमको ग्रुप को आगे बढ़ाना है, हम सिर्फ आगे बढ़े और ग्रुप पीछे रह जाए ये नहीं करना है। तो हम सभी मोटिवेटेड हैं। कौन सभी? वो जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सभी मोटिवेटेड हैं एक कॉमन गोल की तरफ। फिर सोशल कोहेजन का मतलब कि ग्रुप वॉन्ट्स ईच अदर टू सक्सीड, जो समूह है वो मानता है या चाहता है कि प्रत्येक सफल हो, ग्रुप भी सफल हो और प्रत्येक उसमें का व्यक्ति भी सफल हो, कोई पीछे ना रहे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें क्या कहता है कि द ह्यूमन ब्रेन सिंपली लर्न्स बेटर इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट। हम लोग ZPD पढ़ते हैं ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है, वो भी कहता है कि हम पीयर लर्निंग या जो एक ऐसे इंडिविजुअल जो हमसे ज्यादा जानता है उसके अगर संगत में हम सीखते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन सिंपली लर्न्स बेटर इन ए ग्रुप एनवायरनमेंट, जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो बेहतर सीखते हैं। और कॉग्निटिव इलेबोरेशन इसमें क्या कह रहा है कि बेस्ट वे टू इनहेंस द नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्रेन इज टू इन टर्न एक्सप्लेन इट टू वन्स पीयर्स, यानी कि अगर हमको कुछ आता है तो जब हम दूसरे को समझाते हैं तो इलेबोरेशन होता है, यानी कि इनहेंसमेंट होता है हमारी नॉलेज का। इसीलिए जनरली हम लोग को कुछ आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि और तुमको समझा दें, तो जब तुमको समझाएंगे तो कई हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। इसीलिए जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो कई हम लोग कई ये सब कुछ हम लोग पहले भी पढ़े होते हैं, कई सारे टॉपिक उसके बारे में हमें लगता है कि ये टॉपिक हमको अच्छे से आता है, लेकिन उसको लिख सकता है आदमी, क्योंकि लिखने में हमको वही तो लिखेंगे जो आ रहा है। लेकिन पढ़ाते वक्त जब हम उसको इस हिसाब से पढ़ते हैं कि अब हमको उसको क्लास में पढ़ाना है, तो हमारे खुद के डाउट्स क्लियर होते हैं, हम उसको दूसरे के परिप्रेक्ष्य समझते हैं कि अगर स्टूडेंट ने ये पूछा तो क्या जवाब होगा, ये पूछा तो क्या जवाब होगा। तो ये कॉग्निटिव इलेबोरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर जिग्सॉ क्या है? जिग्सॉ इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ग्रुप डायनेमिक्स एंड सोशल इंटरेक्शन। हम लोग एमए के सेकेंड सेमेस्टर किसी में या थर्ड सेमेस्टर या बीए में भी है ग्रुप डायनेमिक्स का कंसेप्ट, यानी कि जो कक्षा है उसकी गतिकी है, मतलब कि जो कक्षा को भी उन्होंने माना है कि कक्षा भी एक ग्रुप डायनेमिक्स का उदाहरण है। क्यों? क्लासरूम एज अ ग्रुप,
क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लासरूम है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है. क्यों? क्योंकि उसमें कंफ्लिक्ट है, उसमें ग्रुप्स हैं, उसमें पेयर्स हैं, उसमें किसी का किसी से झगड़ा है, किसी का किसी से कंपटीशन है, तो वो स्टैटिक है. क्यों? स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है. क्यों? क्योंकि वो गतिशील है, गतिमान है, चल रहा है. तो जिक्सॉ भी एक ऐसी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो कि समूह गतिकी पर आधारित है और सामाजिक जो अंतर संबंध है उस पर आधारित है. तो किसने शुरू की? इलियट एरोनसन. कौन थे ये? प्रोफेसर एमेरिटस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन सेंटा क्रूज. फर्स्ट इंप्लीमेंटेड दिस जिक्सॉ मेथड इन 1971. तो आपके ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बन गया कि अगर आपसे पूछा जाए जिक्सॉ मेथड कब लॉन्च हुआ, 1971 में, किसने किया और एरोनसन ने किया, कहां के थे वो प्रोफेसर? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे. और ये लॉन्च होने के बाद रुक नहीं गया बल्कि फर्दर एडवांसमेंट इसमें हुए हैं एंड फर्दर एडवांस्ड इन असेसमेंट प्रैक्टिसेस बाय रॉबर्ट स्लेविन इन 1986. यानी कि 1986 में रॉबर्ट स्लेविन साहब ने इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन बना दिया. फिर आपको जानने के लिए जानिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि जिक्सॉ सिर्फ एक तरीके का नहीं है बल्कि 5-6 तरीके का है. 5 तरीकों की यहाँ जिक्र है. जिक्सॉ 1 जो है जो कि ओरिजिनल है, सॉरी जो कि ओरिजिनल है और एरोनसन ने बनाया. फिर जिक्सॉ 2 स्लेविन ने, वही जिनको बोल रहे हैं कि रॉबर्ट स्लेविन ने 1986 में उसमें एडेप्टेशन कर दिया. फिर जिक्सॉ 3 स्टॉल ने. फिर रिवर्स जिक्सॉ हीडिन ने. फिर सब्जेक्ट जिक्सॉ डॉयमस ने. तो इतने सारे जिक्सॉ हैं लेकिन सबका मूल वही है. क्या? कि ग्रुप बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ प्रोसीड करेंगे. यही बात लिखी हुई है कि ऑल जिक्सॉ स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड इन ग्रुप बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स कोऑपरेटिंग विद देयर पीयर्स टुवर्ड्स एन एजुकेशनल गोल. ठीक है. अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि जिक्सॉ यूज कैसे करते हैं, कैसे हम क्लासरूम में, कैसे कोऑपरेटिव लर्निंग, कैसे इसमें कोऑपरेशन हो जाता है. तो बहुत छोटा सा और आसान सा कंसेप्ट है लेकिन सोचिए कि कितना एरोनसन साहब ने कैसे इसको सोचा और कैसे इसको इतना बढ़िया चीज सोच के निकल कर आई. क्या कह रहे हैं कि इन दिस, मतलब जिक्सॉ में क्या होता है, लर्नर्स आर स्प्लिट अप इंटू ग्रुप्स. मतलब जो छात्र है उसको हम विभिन्न समूहों में विभक्त कर देते हैं. कौन करेगा? ऑब्वियसली टीचर करेगा. फिर क्या करेंगे? उनको असाइंड पोर्शंस ऑफ द मटेरियल टू लर्न. फिर हम उनको कुछ कुछ पोर्शन एक इसी मटेरियल का याद करने के लिए दे देंगे. ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, ग्रुप 3 को, ग्रुप 4 को, मान लीजिए 4 ग्रुप हमने क्लास में बनाए. फिर क्या करेंगे? मीट विद लर्नर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स. तो ये जो पहला ग्रुप है, ग्रुप 1, वो क्या करेगा? दूसरे ग्रुप के लर्नर से मीट करेगा. क्यों? क्यों? क्योंकि असाइन द सेम पोर्शन. अगर उनको भी वही पोर्शन मिला है, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि इंटेलिजेंस की थेरीज डिस्कस करने को कहा गया है, तो ग्रुप 1 भी डिस्कस कर रहा है, ग्रुप 2 डिस्कस कर रहा है, ग्रुप 3 डिस्कस कर रहा है. तो ग्रुप 1 में जो पोर्शन कोई एक बंदा डिस्कस कर रहा है, ग्रुप 2 में जो वो डिस्कस कर रहा है, ग्रुप 3 में भी वही डिस्कस कर रहा है. या इस तरह से समझ लो कि ग्रुप 1 में हमने नाम दे दिया सबको ABCD, तो ग्रुप 2 में भी दे दिया ABCD, ग्रुप 3 में दे दिया ABCD. तो हम कहेंगे सारे ए एक साथ आ जाएं. क्यों? क्योंकि सारे ए में क्या कॉमन है? ए. तो ए को हमने नाम दिया है लेकिन कॉमन क्या है उनमें? कि वो एक ही चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं या एक ही चीज सीख रहे हैं या एक ही चीज पढ़ रहे हैं. तो फिर क्या होगा कि सारे ए एक पास आ गए. फिर उन्होंने जैसे अपने ग्रुप में कुछ डिस्कस कर रहा था ए ग्रुप 1 में, ग्रुप बी में दूसरा ए डिस्कस कर रहा था, ग्रुप सी में तीसरा ए डिस्कस कर रहा था, ग्रुप 4 में चौथा ए डिस्कस कर रहा था. तो सारे ए जब एक पास निकल कर आए, देखो ये क्या कह रहा है, मीट विद लर्नर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स, असाइन द सेम पोर्शन एंड देन रिटर्न टू देयर ग्रुप्स. सारे ग्रुप में एक एक बंदा निकल कर आया जो कि कॉमन चीज पढ़ रहा था, फिर उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और आपस में फिर डिस्कशन किया कि हाँ ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. फिर वो वापस अपने ग्रुप में आते हैं और अपने ग्रुप में वो सिखाते हैं जो उन्होंने उस ग्रुप में सीखा. कौन सा ग्रुप? जो कॉमन ग्रुप था. देखिए कितनी कितनी अच्छी, कितना मैजिकल है ये कि हर बंदा क्लास का जो है वो इन्वॉल्व हो गया. कभी भी डिस्कशन में, लेक्चर मेथड में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा पोर्शन होता है, बहुत ही नेगलिजिबल पोर्शन होता है जो ध्यान से सुनता है. बाकी बच्चों का दिमाग कहीं कहीं और होता है, वो जनरली क्लास में पैसिव लर्नर्स होते हैं. तो यहां हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप को डिस्कस करने के लिए दिया, फिर सारे ग्रुप से मेंबर निकल कर आए, उन्होंने अपने में डिस्कस किया और फिर वापस लौट के अपने ग्रुप में गए. क्या करने के लिए? टू टीच द मटेरियल दे हैव लर्न्ड, उस ग्रुप में वो सिखाने के लिए जो वो उस ग्रुप से सीख कर आए हैं. तो इससे फायदा क्या होगा? दिस अलाउज फॉर द स्टूडेंट टू शेयर.
ये उन छात्रों को अनुमति देता है कि वो शेयर कर सके, क्या शेयर कर सके, व्हाट ही और शी लर्नड ऑन देयर ओन, क्या जो उन्होंने खुद से सीखा है, और क्या व्हाइल आल्सो हियरिंग अदर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरों का सुनकर और अपना समझ के जो उन्होंने सीखा है वो सारी बात निकलकर क्लियरली सामने आ जाती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि नाम क्यों पड़ा इसका जिक्सो, क्यों हम जिक्सो कह रहे हैं, क्यों कोई और नाम भी रखा जा सकता था, जिक्सो नाम के पीछे कोई लॉजिक होगा? यस, लॉजिक है। हम लोग ने सबने पजल गेम खेला है ना, बच्चे खेलते हैं कि जो पहली स्लाइड में हमारे शो हो रहा है, ये जैसे ये है ना, इस तरीके का, ये इसमें खांच बनी है, इसमें खांच बनी है, इसमें खांच, तो इसकी खांच जब इसके सॉकेट में आती तभी ये फिक्स होगा ना, उसी तरह से ये, उसी तरह से ये, अगर हम इसको किसी और तरीके से सेट करना चाहेंगे तो ये फिट नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि द जिक्सो मेथड गेट्स इट्स नेम बिकॉज ईच स्टूडेंट इज ए वाइटल पीस ऑफ द ओवरऑल पजल। अगर हम मान लीजिए कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो मैंने आपको टीचर ने क्लास में सीखने के लिए दी, अगर वो पजल है तो प्रत्येक छात्र जो है वो उसका वाइटल पीस है, मतलब जरूरी है। फिर जस्ट एज जिक्सो पजल इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस पीसेस टू कम टूगेदर टू मेक अ कंप्लीट पिक्चर, मतलब जिक्सो पजल में क्या होता है कि बहुत सारे पीस होते हैं, ऐसे बिखरे रहते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं है, पर वो जब प्रॉपर सीक्वेंस में जुड़ते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर निकल कर आती है। उसी तरीके से द जिक्सो मेथड ऑफ टीचिंग इज ए कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, इसमें भी क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स का कलेक्शन है, विच विल बी फुल्ली डेवलप्ड बाई स्टूडेंट, जो कि छात्र खुद डेवलप करते हैं, स्वयं डेवलप करते हैं बिफोर कमिंग टूगेदर टू मेक अ कंप्लीट आइडिया, आपस आने से पूर्व डेवलप कर लेते हैं और फिर जब साथ आते हैं तो एक जो आइडिया है वो कंप्लीट या कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ने चलेंगे तो बुक गूगल पे और सब पे बहुत सारा मटेरियल है, उसमें वो बताते हैं होम ग्रुप और एक्सपर्ट ग्रुप की भी बात निकल कर आती है। एक्सपर्ट ग्रुप कौन सा, वही जो एक्सट्रैक्ट होके आया है सारे ए, फिर वो एक्सपर्ट ग्रुप होता है, वो आपस में डिस्कस करता है और फिर वो अपने अपने होम ग्रुप में चले जाते हैं और वो चीजें सबको सिखा देते हैं, तो हमारा एक मत बन जाता है क्लास में, मतांतर सारे खत्म हो जाते हैं और सारा हर बच्चा सीख जाता है अपने पर्सपेक्टिव से भी और दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी। अब आप इसमें ये भी सोच सकते हैं, मतलब ये भी बात बताने की हो सकती है कि क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, तो जनरली इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान भी हैं। क्या कि जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, तो वो नहीं सोशली कोहेजन और ये सब चीजें उनको नहीं समझ में आएंगी, उनके लिए नुकसानदेह है। प्लस ये बहुत टाइम टेकिंग है ना, ऐसे क्लास में जाएंगे हम फट से पढ़ाकर निकल सकते हैं, अगर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है या हमारे पास टाइम कम है, जनरली टीचर्स के हम लोगों के पास टाइम कम होता है ना, बिकॉज ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरीके की चीजें बहुत टाइम टेकिंग होती है। प्लस इतनी जगह होनी चाहिए क्लासरूम में ना कि आप ऐसे ग्रुप बना सकें, ऐसे गोल मेज हो, राउंड टेबल हो, उसके किनारे बच्चे बैठे हैं डिस्कस करें, तो इस तरीके की फैसिलिटी के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, टाइम के हिसाब से ये कॉस्टली है। ये इसके कुछ नुकसान है, पर ये नुकसान उस फायदे के अलावा कुछ नहीं, उस फायदे के सामने कुछ नहीं, जो फायदा इससे है कि प्रत्येक बच्चा इन्वॉल्व है, बच्चा एक्टिव लर्नर की तरह यूज कर रहा है, हम कोऑपरेशन सीख रहे हैं, वो जो चीज दुनिया से खत्म होती चली जा रही है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है तभी इतना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोऑपरेशन है, ग्रुप के सक्सीड की हम बात सोच रहे हैं, सिर्फ अपने सक्सेस की नहीं सोच रहे, तो ये सब बहुत बड़ी भारी वैल्यूज हैं जो ये डेवलप कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है और हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि हम लोग अब जान गए कि व्हाट इज जिक्सो। ओके, डन।